बैंक रोड स्थित अयोध्या दास राजकीय इंटर कॉलेज के सामने ट्रांसफार्मर में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने पहले तो ट्रांसफार्मर में लगी आग पर काबू पाने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने फायर सर्विस को फोन किया। चंद समय में दमकल विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और घंटों मशक्कत के बाद आग बुझाने में कामयाबी पाई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो अचानक तेज आवाज हुई और बिजली कट गई। आवाज सुनकर लोग बाहर निकले तो देखा ट्रांसफार्मर में आग लगी है। माना जा रहा है कि तेज धूप और ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गई, जिससे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा। बहुत ही व्यस्त इलाका है, हम लोग ऑफिस बैठे, एक बैग आवाज़ आई, हम लोगों ने बाहर आके देखा तो आग पकड़ चुकी थी। हम लोगों ने तुरंत उसको बुझाने का प्रयास किया, फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को, तब तक रिस्पांस नहीं मिलने में तुरंत दो लोगों को भेजा हमने, तो आने पे फिर वो लोग आ गए और अब कमांड में है। क्या मतलब कि कुछ कारणों का पता चल पाया है? नहीं, वो पता नहीं चला, एक बैग शॉर्ट सर्किट की वजह से ही हो सकता है, लेकिन ये बिजली वाले ही बता पाएंगे।